क्रिकेटर की बायोपिक बनाएंगे और उसमें कौन सा रोल करेंगे? हमारी क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा स्टैंड सना मीर ने किया, उसके बाद जितने सीनियर जब मुझे लगता आप अपनी बायोपिक सना मीर पर बनाएंगी और उन्हीं की उनके किरदार में आएंगी सामने? नहीं, आप अपने रोल में आएंगी उनके पूरे के अंदर, तो उसमें सना के साथ हीरो किसे कास्ट करेंगे उनकी बायोपिक में? मतलब आप जो मर्जी चूज करें, आपके सामने पैलेट खुली है, आप क्रिकेटर उठा लें, आप एक्टर उठा लें। उष्णा शाह चेहरा जैसे पिकअप होता है।
अच्छा जी, अब क्योंकि आप लोग नए दौर के लोग हैं, आप पुराने दौर के नहीं है, लेकिन इस वक्त जिंदा है, जाहिर सी बात है कि नए लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं आप, मिक्स है, पुराने भी नए। मैं जब आया था तो एनालॉग खत्म हो रहा था और डिजिटल शुरू। एग्जैक्टली, एनालॉग और डिजिटल के बीच में थे आप, हमारे दूर थे। तो ये बताइए, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी अपनी लैंग्वेज है, सिर्फ आप यहाँ आए कि ग्राउंड पहुँच गई नहीं? मुझे लग रहा ग्राउंड, हाँ तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों को उनमें से किस किस वर्ड का पता है, इंग्लिश में उनके मतलब नहीं बताने, जेनरेशन जी की जो लैंग्वेज है वो किस तरह इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो बताए। हमसे बहुत रिलेटिवली यंगर जनरेशन है, तो आपको भी जनरेशन जी की लैंग्वेज का पता होगा। मेरा मूड बने जवाब देकर वो मैं उन्हें सुन तो रही, मेरे पार्टनर है ना इस वाले सेगमेंट में, तो सोच के खाना पास कर लेना बाहर जाके नाल को छोड़ा। नहीं नहीं यार, अरे भाई बताओ ना, मूड आपके हिसाब से क्या मतलब हो सकता है? मेरा नोट में खा, मेरा मूड बने, हम तो हमें तो यही जुबान है। पी जेड सी के बता दे, दिस प्लेस इज अ मूड, शी इज अ मूड, दिस पर्सन इज अ मूड का मतलब है, नेवर हर्ड ऑफ That's what I'm saying. Expression of relatability. आप लोगों के साथ relate कर सकते हैं। यानी ये बंदा एक mood है, इसका